वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी तो नहीं हूँ। मुझे कल से बहुत ज़्यादा फीवर था तो मेरे को थोड़ा थोड़ा स्वेलिंग दिख रही होगी, बट हाँ अभी मैं ठीक हूँ। और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरे हस्बैंड बना रहे हैं मेरे लिए खाना, तो देखते हैं क्या क्या बनाते हैं वो मेरे लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ खाने के लिए क्योंकि वो बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। टमाटर इसमें क्यों डाले हैं, भिगाने के लिए क्या? अच्छा धोए हैं। सिलेक्ट कर रहे हो आप? हरी मिर्ची। हरी मिर्ची और क्या डाल रहे हो उस पे? लहसुन और तो गाइस मैं तो खा रही हूँ एप्पल क्योंकि मुझे लगी है भूख और मैं कुछ हेल्दी खा रही हूँ। ओए क्या ओए, मजा आ रहा है काम करने में? करी भाई मैं भी प्याज छील रही हूँ, क्या बात कर रहे हो? करी इसको पानी को बोतल में डाल। ये हमने डब्बे वाले यूज करे थे ना, ये वाले, ये भिगाए क्यों हमने? नमक का पानी होता है ना उसमें। अच्छा सारा नमक इसमें आ गया। दो यार मुझे, मैं काट के रख देती हूँ, अब सब वो देख लो। प्याज प्याज जल्दी करना मुझे थोड़ा। हाथ चलाना। अब कहाँ उल्टा है? उल्टा है ऐसे, लेफ्टी हो ना? मैं लेफ्टी हूँ ना, अभी स्लो हो गई है, तभी हर काम स्लो करती हूँ मैं, ऐसा बोलोगे अब आप? गलत बात है यार, ये तो बेइज्जती हो रही मेरी। हमने मशरूम्स को मैरिनेट कर दिया, मसालों में मैरिनेट किया है, मसालों में मैरिनेट किया है, मेरे हस्बैंड मुझे सिखा रहे हैं। तो ये उसके बाद हम क्या करेंगे इसका? अच्छा ठीक है, इसको थोड़ी देर मिक्स करके छोड़ देना है 5 मिनट के लिए कम से कम। हमने इसमें लहसुन लेकर डाल दिया, खड़ा मसाला, जीरा, लहसुन, लहसुन हमने साबुत डाले ना, अदरक लहसुन पेस्ट थोड़ा साबुत थोड़ा देना। अब तो ये मस्त बनने वाला है, बनेगा मस्त सा खाने लायक ना। हाँ बोलो। हाँ मस्त। हमने प्याज तो डाले नहीं बाद में, अभी इसको हमने सिर्फ मशरूम में और टमाटर में पका रहे हैं। इस बन रही है मशरूम की सब्जी, थोड़ा थोड़ा मैं हेल्प कर रही हूँ, ज़्यादा तो वही बना रहे हैं। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए उन्होंने कहा कि आज संडे है तो आज मेरे हाथों का खाना खाओ, तो देखते हैं टेस्ट करके कैसा बनता है। वैसे खाना बहुत अच्छा बनाते हैं बट ये पहली बार ट्राई कर रहे हैं। हाँ अभी तो हमने वही डाला ना पेस्ट। यम्मी मेरे पति देव, जो हमने काजू और प्याज का पेस्ट बनाया ना तो ये डालेंगे ऊपर से। अभी की कंसिस्टेंसी में अच्छी आ रही है। चावल इसमें बना रहे हैं हम, चावल मेक कर रहे हैं। हाँ क्या समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? क्या बताओ? ये पक रहा है, इसका ऑयल पराने मतलब मसाले पकने लगे। ओके ये रेडी हो रहे हैं हमारे चावल और ये सब्जी रेडी हो गई है। ये देख तेल डालने के ना ऊपर मतलब यम, ये बनकर आ गई है सब्जी और मुझे टेस्ट करना है। बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी गाइस, मैं प्लान करूंगी। अभी लग रही है कुछ तो कम है, क्या कम लग रहा है बता? ऐसे कैसे बनाया तुमने? ना नमक ज्यादा लग रहा है, उतनी टेस्टी नहीं हो रही ना, ना हल्का तो ये बनाया मेरे पति देव ने। आए हाय आजो चावल रखो, लो फटाफट खाना खाते सर। यम्मी खाना, अब हम खाना खा रहे हैं। खाना यम हो रहा है, मजा आ गया। कैसा बनाया मैंने? बहुत अच्छा मैंने बनाया, झूठ बोल रही हूँ मैं, पता है तुम्हें। कैसा
मीठा नहीं है कुछ खास नहीं। ठीक ठीक है ना, ओके ओके, हमारे वहाँ के तरह नहीं है ना। मैं टेस्टी खाना खाने के बाद अब आ गई हूँ घूमने वॉक पे। मैंने तो कह लिया था चेंज और ये आए हैं ऐसी। तुम ऐसी क्यों आए हो जल्दी बताओ, बताओ ना यार। चुप रहो ना, चलो ना। मैं सीज ले रहा हूँ, मुझे ऐसा कंफर्ट आता है लगता है। अच्छा कंफर्ट लगता है। तो गाइस हम वॉक पे निकले हैं, अभी घूमते हैं थोड़ा सा। सो गाइस आज की सुबह हो चुकी है और मैं कल वाला ब्लॉग ही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो कल चंदन ने मेरे लिए खाना बनाया था, जैसे बहुत ही यम्मी मशरूम बनाए थे। तो आज हम सोच रहे हैं कि कुछ कहीं बाहर जाए, तो वो मुझे कुछ दिलाने वाले हैं। आई डोंट नो क्या। पर बेटू सुन ना, हाँ मौसम खराब है, मौसम थोड़ा खराब हो रहा है, पर देखते हैं लेट्स सी क्या करते हैं। मुझे जैसे लगे फिर तू ये मत बोलना कि यार जान। तो कोई बात नहीं, हम भीगते हुए आ जाएंगे। भीगना मुझे बहुत पसंद है, आई लव बारिश। और आज सुबह सुबह हमारे वहाँ बगल में एक बिल्ली है, उससे उसके दो बेबीज हुए हैं, तो ये दोनों हमारे पास आ जाते हैं। पर अभी मेरे पास एक आया है, देखो इसको खाना खाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि ये खा चुकी है आधा, पता नहीं चुका है चुकी है, पर खा चुका है और चुकी है और आई एम कंफ्यूज। और अब रो रही है, पता नहीं क्यों। क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो आप बताओ पहले, क्यों रो रहे हो, यहाँ बताओ क्यों रो रहे हो आप, क्यों रो रहे हो। ये कौन है, अपने आप को देख कर वो हो गई, ये कौन है। सो गाइस ये बाहर का मौसम है और बहुत ही अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है बहुत अच्छी, बहुत ही प्यारी हवा था बाहर कि आज मुझे कुछ यहाँ का ट्रेडिशनल कुछ गिफ्ट करने वाले थे, पर अब ये मौसम ने और बारिश ने शायद मुझे नहीं जाने देंगे शायद, बट अभी मैंने अपना प्लान ड्रॉप नहीं किया है, देखते हैं थोड़ा मौसम सही हो जाए फिर हम जाएंगे, पक्का जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। और क्योंकि अब मैं कुछ दिन ही यहाँ हूँ तो मेरे को थोड़ी शॉपिंग करनी है, थोड़ा घूमना है। तो आज मुझे मार्केट लेके जा रहा हूँ। हाँ मार्केट चलेंगे भाई। क्या दिलाओगे, जो तुम बोलोगे वो दिला देंगे। डन। दिक्कत बताओ आप अपनी, क्या दिक्कत है आपको, क्यों परेशान हो रहे हो आप, हैं? खा रही है रो रही है, खा रही है रो रही है, समझ नहीं आ रहा चाह क्या रही है। क्या है, इससे बातें करते रहो बस। यहाँ के जो भुट्टे होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, मतलब नॉर्मली हमारे वहाँ जो मक्के होते हैं वो एक कलर के होते हैं, बट यहाँ मल्टी कलर के, मल्टी कह सकते हैं इसको, ऐसे होते हैं ये। और आप क्या करना चाह रहे हो, ये बिल्ली की आवाज़ निकाल के उसको परेशान कर रहे हो। रिएक्ट ही नहीं कर रही हो। आज इनका प्लान है कि हम कॉर्न खाएंगे, कॉर्न वाला सैलेड, क्या बनता है। hey guys, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और फाइनली अभी मौसम ठीक है तो हमारा जाने का प्लान बन गया है। ले जा रहे हो ना आप मुझे, शक्ल देख रहा हूँ, तो हम जा रहे हैं बाइक में। कौन सी क्रीम लगा दी थी, विटामिन सी। हाँ विटामिन सी, विटामिन सी से तो अच्छा होता है। गाइस मैं एक जगह पे गई फनैक देखने, बट मुझे वहाँ पे पसंद नहीं आया, तो अब मैं दूसरी जगह आई हूँ। मतलब ये माड़ वाला कपड़ा नहीं, धोना पड़ेगा तब धोएगा, तो तब भी नहीं चलेगा, ये ऐसा ही रहेगा, ऐसी ऐसे ही थोड़ा सॉफ्ट कपड़े में नहीं है, ये थोड़ा कड़कड़ टाइप का है ना। नहीं काका नहीं है, इसमें कहते हैं ना वो मणिपुर का सनांग बोलते हैं। ओके मैंने ले लिया फनैक, वहाँ से नहीं लिया मैंने, दूसरी जगह से लिया, बट ले लिया। और मैं आपको पहन के दिखाऊंगी कैसे लगेगा। लेते वक्त मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पे वीडियो वीडियो बनाने के लिए वो मना कर रहे थे, वो कैमरा कॉन्शियस थे बहुत ज़्यादा। मैम ये पाइनएप्पल पैक के पैक कर दीजिए। हम जा रहे हैं वापस
आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम। सो गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि अब मैं घर आ चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे मेरे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय टाटा। और मैं तो इंजॉय कर रही हूँ पॉपकॉर्न और देख रही हूँ कुछ मूवी इनके साथ। तो फिर मिलेंगे मेरे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो उसे लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे ब्लॉग पे कमेंट करो। तो बाय।